अल्ट्रासाउंड में ये जो मैं आउटर लाइन बना रहा हूँ ये क्या है, यूट्रस है ना, ये आपका यूट्रस है और इस यूट्रस के अंदर है जो ये बेबी है। अब बेबी की मैं आउटलाइन बनाऊँ तो इस तरह से ये बेबी का कान दिखाई दे रहा है, ये कान है और सिर की ये आउटर लाइन है, इस तरह से ये गर्दन और स्पीड से होते हुए हम जाएंगे तो ये बेबी के पैर हैं। आप देख रहे हैं ये बेबी के पैर हैं, मैं आपको एक एक अंग बताऊंगा बेबी का। तो ये बेबी का पैर है, आपको दिख रहा है ये बेबी को, ये है बेबी का। अभी आप देखिए कि अभी ये क्या है, आप ये इसका माउथ है बेबी का और ये सिर से होता हुआ ये फोर हेड है बेबी का, ये है जो, हाँ क्यूट है बेड़ा, देखो कितना प्यारा क्यूट तो लग तो रहा है, पर आप देखेंगे ये बेबी का आउटर लाइन है और ये प्लेसेंटा है। आप ये देख रहे हैं ये क्या है, प्लेसेंटा है और यहाँ से न्यूट्रिशन मिलता है बेबी को। और जो ये आप ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं, ये जो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक पार्ट देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल क्या है, एमनियोटिक फ्लूड है। ये एमनियोटिक फ्लूड ही बच्चे को घूमने में हेल्प करता है, ये है जो ब्लैक ब्लैक है, जो ये एमनियोटिक फ्लूड है। और अब देखिए बेबी ऐसे मूवमेंट करता है, इस तरह से मूवमेंट बेबी का आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये इस फ्लूड के अंदर इस तरह से मूवमेंट करता किक है। मार रहा है ना? हाँ किक भी, ये जो इसकी लात है ये किक लगी आपको, ये आपने स्टिमुलेशन करते इस तरह से ये बेबी किक मारता है, ये किक मार रहा है आपका बेबी। और ये इसका देखो घुटना है बेबी का, आप देखेंगे बेबी का घुटना है और ये पैर हैं और ये देखो सिर के बल खड़ा हुआ है बेबी। कई बार ऐसी फनी फनी एक्टिविटी करता है बेबी कि देखो सिर के बल ये खड़ा हुआ है, ये सिर है इसका यहाँ और ये इसकी पीठ है। और आप देखेंगे मैं आपको और दिखाऊं क्या थोड़ा सा, हाँ ये देखो बेबी का दिल धड़क रहा है, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ये बेबी का दिल धड़क रहा है। और अच्छे से देखो आप बेबी का, ये इस तरह से दिल धड़क रहा है, यानी बेबी का दिल जो है, यानी धड़कन है, हार्ट बीट है, वो 1 महीने का होता है तभी आ जाती है। और कलर डॉपलर से हम देखें तो इस तरह से ब्लड फ्लो रहा है, ये हार्ट है, देखो कलर डॉपलर से ये हार्ट है और इस तरह से ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, यहाँ से ब्लड आ रहा है। और आपको मैं ये बेबी की धड़कन, अब ये हार्ट है देखो, 4 चैम्बर का हार्ट बन चुका है और इसकी धड़कन हम बीट कर रहे हैं, और ये जो धड़कन है ये हम नोटिस कर रहे हैं कि इसकी बीच की 1 मिनट में कितनी धड़कन है, तो ये 160 धड़कन थी इसकी। अब हम देखेंगे ये इसके पैर हैं, बिल्कुल अच्छे से विजिबल है, तो स्विम कर रहा है ऐसे लग रहा हाँ है। बिल्कुल ऐसे घूमता रहता है। और दिन के टाइम है जो बेबी होता है वो सोता है मोस्टली, जब हिलता डुलता सोता है, और बाकी रात के टाइम में ये काफ़ी वो करता रहता है, किक मारता रहता है। जूम करेंगे तो इसको एक एक चीज़ आपको अच्छे से मूवमेंट दिखाई देंगी। ये हाँ, बेबी रात का में थोड़ी देखो किक कर सिर दिखाई दे रहा रहा है। है, सिर के अंदर के पार्ट एक तरफ से जूम कर रहा हूँ मैं, आप देखेंगे यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा विजिबल होने दीजिए। तभी मुझे रात को ज्यादा किक मारता है। हाँ ये देखो पीठ है, ये बेबी की पीठ है, ये आपको देखिएगा पीठ है, ये आपको समझ में आएगा ये बेबी की पीठ है, पीठ यानी ये रीढ़ की हड्डी है और ये सिर है, और सिर में जो वेंट्रिकल्स होते हैं ये वेंट्रिकल्स दिखाई दे रहे हैं इस तरह से बेबी का। ये बेबी के दोनों पैर हैं यहाँ, और आपके बेबी की आंखें देखो, ये प्यारी सी कितनी आंखें हैं, हाँ बिल्कुल, देखो मैं बनाता हूँ आंखें, आईज बनाता हूँ, ये आईज बन रही है। और चलो एनेक लगा देते हैं हम आपके बेबी के, दिख ये बेबी का दायां हाथ है, ये बायां हाथ है बेबी का, सुपर बॉय या सुपर गर्ल? हाँ जो भी है, आप मुझे लग रहा है कुछ इंटरेस्ट ले रहे हैं आप इसमें, बताएंगे आपको। देखिए इसमें ये मुंह है इसका, लिप्स हैं, आपको लिप्स दिखाई दे रहे हैं, कितना क्यूट सा है पूरी ये, किक बना दी इसकी। बिल्कुल आप इसको समझेंगे तो आपको एकदम से फील आएगा इस तरह से है। वाह, आई कांट वेट, कब बाहर आएगी?
अभी छोटा ही है, इतना बड़ा नहीं है, अभी टाइम लगेगा इसको। आप इसको देख सकते हैं। जिस पार्ट की आप बात कर रहे हैं वो ये पार्ट यहाँ है, पर आपको नहीं ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा विजिबल तो नहीं कर सकते इसको। अभी आप देखो ये सिर है बेबी का, और ये देखो पैर कितना मोड़ सकता है। ये देखो बेबी 180 डिग्री, ये बेबी का घुटना है और ये किक मार रहा है आपके, समझ रहे हो आप? यह बेबी किक मार रहा है, ये यहाँ से पैर जा रहे हैं, यहाँ तक पैर हैं, ये वाला पैर यहाँ जा रहे हैं, बेबी यहाँ किक मार रहा है आपको, और ये बेबी का दिल धड़क रहा है अच्छे से, थोड़ा स्टिमुलेट हो गया बेबी, थोड़ा सा हलचल ज़्यादा ही कर रहा है। ये रीढ़ की हड्डी है बिल्कुल। आप बेबी की नाक की बनाए नहीं बना, ये बहुत जेनेटिक इम्पोर्टेंट होता है, ये नाक है जो बेबी का बहुत इम्पोर्टेंट होता है। देखना कि बेबी में आप यहाँ देखेंगे बेबी की एक ही चीज़ दिखाई देंगी, बेबी हेल्दी तो है ना? हाँ बिल्कुल हेल्थी, और हलचल कर रहा है, अच्छे मूवमेंट कर रहा है बिल्कुल। ये देखो इसके लेग्स, पैर, एक यहाँ से पैर की अंगुलियाँ तक भी दिखाई दे रही हैं, कितना, ये बिल्कुल पैर है इसका बेबी का। आप देखेंगे ये बिल्कुल पैर है बेबी का, ये पैर है, और ये बेबी का पेट है, यहाँ से दिख रहा है यहाँ। एक मिनट आपको अंगुली में दिखाऊं, बेबी की अंगुली दिखेंगी। अरे 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 बिल्कुल 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 सेट हो, इतना शैतान है अंदर ही, बाहर आके क्या करेगा। हाँ लग तो रहा है शैतान है, शैतान नहीं बच्चे, पेट में फ्लूड होता है, ये ब्लैक ब्लैक है जो एमनेटिक फ्लूड है, इस फ्लूड के अंदर घूमता रहता है। इसमें फ्लोटिंग तो अच्छे से कर रहा है। हाँ बिल्कुल अच्छे से घूम रहा है, और ये पैर हैं, और इस फ्लोटिंग में ही आपको पता है बेबी यही पानी पीता रहता है, और पेशाब के माध्यम से यही पानी बाहर निकालता रहता है, ये स्ट्राइल होता है। एक मिनट ये पसलियाँ बेबी की, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये ब्लड फ्लो आ रहा है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। डॉपलर में देखेंगे तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड है जो न्यूट्रिशन ले रहा है, ये प्लेसेंटा से यहाँ से न्यूट्रिशन आ रहा है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, इसी से न्यूट्रिशन लेता है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, आप देखेंगे है ना, ये प्लेसेंटा यहाँ से लेता रहता है ये अम्बिलिकल कॉर्ड, जो मिनिमम 20 सेंटीमीटर से लेके 80 सेंटीमीटर होता है। फिर ये घूम रहा है थोड़ा सा बेबी, आपका उल्टा सिर के बल कुछ ज़्यादा फैलवानी कर रहा है, आप देख रहे हैं ये पैर ऊपर कर लेता है, और ये पसलियाँ दिखाई दे रही हैं, और ये बिल्कुल रीढ़ की हड्डी दिखाई, और ये इसकी रिब्स दिखाई दे रही है, छाती देख रहे हैं, ये इसका पेट दिखाई दे रहा है आपको, और ये नी, इसके घुटने दिखाई